बीए पाठ तृतीय वर्ष के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने व्याख्यान में मैं आपको जिस विषय पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ वह रस एवं रसावयवों से संबंधित है। पिछले व्याख्यान पर भी हमने इसी पर चर्चा की। रस, रस की परिभाषा, प्रमुख रसावयव, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके बारे में हमने जाना। भाव, विभाव और अनुभाव के बारे में हमने जाना। आज हम संचारी भाव के बारे में जानने जा रहे हैं। और संचारी भाव किसको कहा गया, यानी प्रत्येक रस के प्रधान गुण या मनोविकार के साथ साथ कई छोटे छोटे गुण या मनोविकार भी उत्पन्न होते हैं, जो प्रधान गुण या मनोविकार के परिपक्व होने में उसकी अनुभूति को और अधिक तीव्र बनाने में सहायक माने जाते हैं और रस को अनुभव करने में सहायता भी वे करते हैं। ये भाव स्थायी भावों की भावों समस्त रसानुभव काल में स्थायी नहीं बने रहते, किंतु जागृत होकर एवं सहायता का कार्य पूरा करते हुए तरंग की भांति आकर विलीन होते रहते हैं। इन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की प्रकृति संचरण की होती है। जो भावों का संचरण करे वो संचारी भाव कहलाए जाते हैं। अर्थात संचरण करने वाले अस्थिर मनोविकारों या चित्त वृत्तियों को संचारी भाव कहा गया है या कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, व्याभिचारी भाव भी माना गया है। व्याभिचारी भाव, उदाहरणार्थ हास्य रस का संचारी भाव हर्ष है, चपलता है, आलस्य है। करुण रस का मोह, जड़ता, उन्माद, विषाद, निर्वेद, चिंता व दैन्य है। वीर रस का भाव गर्व है, हर्ष है, घृति है, उग्रता है। रौद्र रस का गर्व है, चपलता है, उग्रता है। भयानक रस का त्रास है, आवेश, वैन्य, शंका, चिंता, अपस्मार। उसी तरह से हम संचारी भावों का वर्गीकरण यहाँ कर सकते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भावों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। सुखात्मक संचारी भाव यानी सुख प्रदाता और दुखात्मक संचारी भाव यानी दुख जागृत करने वाले। तीसरे हैं उभयात्मक संचारी भाव यानी सुख दुख दोनों में जागृत होने वाले भाव। चौथा है उदासीन संचारी, अर्थात इनकी प्रकृति ही उदासीन रहती है। डॉक्टर राकेश गुप्त ने 33 संचारी भावों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। जैसे शुद्ध भाव या मनोविकार, जो संचारी भाव शुद्ध भाव या मनोविकार में सहायक होते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। ये कुल 14 है। जैसे निर्वेद है, शंका है, हर्ष है, दैन्य, उग्रता, चिंता, त्रास, असूया, अमर्ष, गर्व, बीड़ा, आवेग, विषाद और औत्सुक्य। दूसरा है ज्ञानात्मक संचारी भाव, इनकी संख्या 4 मानी गई है। सबसे पहला है ग्रति, मति, वितर्क और अर्वाहत्ता। फिर हम लेते हैं शारीरिक संवेदन करने वाले संचारी भाव, इनकी संख्या कितनी मानी गई है, कुल 5। और ये कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्लानि का होना, श्रम का होना, आलस्य का होना, मद और मोद का होना। मानसिक अनुभव विहीन संचारी भाव भी होते हैं, इनकी संख्या 10 मानी गई है। और ये कौन कौन से होते हैं, जैसे स्मृति, स्वप्न, निद्रा, विबोध, जड़ता, चपलता, अपस्मार, व्याधि, उन्माद और मरण। डॉक्टर नगेंद्र का विचार यह है कि संचारियों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है। ये बिल्कुल सही है, तर्कसंगत है। संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने 33 संचारी भाव माने हैं। आचार्य शुक्ल का प्रकृति के अनुसार किया गया वर्गीकरण भी तार्किक कसौटी पर खरा उतरता है। और संचारी जो भाव हैं वो सुखात्मक भी होते हैं, दुखात्मक भी होते हैं, उभयात्मक भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं। तो सुखात्मक जो हैं संचारी भाव वो कौन कौन से हैं, जैसे गर्व, औत्सुक्य, आशा, हर्ष, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता और धैर्य। फिर दुखात्मक संचारी भाव कौन कौन से हैं, जैसे लज्जा, असूया, त्रास, उन्मर्ष, अवहित्ता, विषाद, शंका, चिंता, निराशे, उग्रता, मोह, आलस्य, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, व्याधि और मरण।
उभयात्मक जो संचारी भाव है वो भी माने गए हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चिंता और चंचलता। उदासीन प्रकृति के संचारी भाव भी माने गए हैं, वे कौन कौन से हैं? जैसे वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध, इनको माना गया है। अब इसमें प्रथम वर्णानुसार वर्गीकरण भी हम कर सकते हैं, जैसे पांच व तीन ऊ, चार ए, यानी दो दो, ग च श स आ न, एक एक ज त द ध है, फिर उ तेतीस बखान। ये एक माना गया है, संचारी भावों को ज्ञात करने का एक सूत्र माना गया है। यह वर्गीकरण डॉक्टर प्रकाश सिपाली द्वारा किया गया है और पहला जो वर्गीकरण है वो वह वर्ग का माना गया है जिसमें पांच अंक की संख्या मानी गई है। और पांच कौन कौन से हैं? जैसे वीड़ा, व्याधि, विबोध, वितर्क और विषाद। दूसरा जो माना गया है वो छोटा ऊ, ये तीन माने गए हैं, उग्रता, उत्सुकता और उन्माद। तीसरा जो प्रकार माना गया है वो है ए, असूया, अपस्मार, अभित और अमर्ष, ये चार माने गए हैं। चौथा है मैं, मैं वर्ग के कौन कौन से हैं? मति, मोह, मरण और मद। गय वर्ग के कौन कौन से हैं? गर्व और ग्लानि, दो माने गए हैं। चय वर्ग के कौन कौन से माने गए हैं? चपलता और चिंता। सह वर्ग शंका और श्रम। सह वर्ग स्वप्न और स्मृति। आ वर्ग का कौन कौन से माने गए हैं? आवेग और आलस्य। नए वर्ग के कितने माने गए हैं? दो माने गए हैं, निद्रा और निर्वेद। जय वर्ग के जाड़े माने गए हैं, एक माना गया है। तय वर्ग का त्रास माना गया है। दय वर्ग का दैन्य माना गया है और धय वर्ग का ग्रति माना गया है और है वर्ग का हर्ष माना गया है। इसलिए इनकी कुल संख्या कितनी बैठती है? 33। अब है संचारी भावों की परिभाषा, विश्लेषण एवं उदाहरण। निर्वेद, जैसे दरिद्रता, अपमान, व्याधि, इष्ट वस्तु के वियोग आदि के कारण अपने आप को धिक्कारने को निर्वेद कहते हैं, अर्थात विषय विरक्ति को निर्वेद कहते हैं। साधारण प्रकृति के पुरुषों में दारिद्र्य, पीड़ा, रोग, शोषण, अभीष्ट की अप्राप्ति के कारण और उत्तम प्रकृति के पुरुषों में तत्व ज्ञान चिंतन से विषम विरक्ति उत्पन्न होती है, विषय विरक्ति उत्पन्न होती है। लंबी आहें भरना, मुख पर दीनता का भाव लाना और एकांतवास इसके अनुभव माने जा सकते हैं। फिर है सोच, सुमूत्र, विकल दुख दीना, घिघ जीवन, रघुवीर विहीना। दूसरा जो प्रकार माना गया है इसका है वो है ग्लानि। फिर लज्जाजनक कार्यों, खिन्नता आदि से उत्पन्न मन की शिथिलता या असमर्थता को ग्लानि कहते हैं, और अर्थात अंग शैथिल्य के कारण जो एक प्रकार की पीड़ा का अनुभव होता है उसे हम ग्लानि कहते हैं। समस्त संस्कृत के आचार्यों ने, जिनमें हम वामन को ले सकते हैं, वामन ने विरेचन का सिद्धांत दिया। व्याधि, तप, उपवास, मानसिक चिंता, अत्यधिक मद्य सेवन, रति क्रीड़ा, अत्यधिक व्यायाम का करना, दूर तक यात्रा का करना, भूख का लगना, प्यास का लगना, निद्रा का न आना आदि के कारण ग्लानि संचार भाव प्रकट होता है। मद स्वर व्यवहार में मंद चाल, द्रव्यमान आदि इसके अनुभव हैं। और उदाहरण भी या एक प्रकार का एक सूत्र हम इसको कह सकते हैं, इसको जानने का, समझने का, और वो किस तरह से है कि पीली पड़ निर्बल कोमल, कृष्ण देह लता कुमलाई, विवसना लाज में लिपटी, सांसों में शून्य समाई। फिर है शंका, भावी अनिष्ट की जब आशंका होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? शंका कहते हैं, अर्थात अन्य की क्रूरता तथा अपने दोष के कारण भावी अनिष्ट की संभावना ही शंका संचारी भाव कहलाता है। राज्य भय, चोरों एवं पाप कर्म आदि से अनिष्ट कल्पना शंका के कारण होते हैं, और व्याकुलता से इधर उधर देखना, मुख का सूख जाना, होठों पर बार बार जीभ का फिराना, मुख का रंग बदलना, कंपन या कंप आदि इसके अनुभव माने गए हैं। हे मित्र, मेरा मन न जाने हो कहां क्यों व्यस्त है, इस समय पल पल में मुझे अब शकुन करता त्रस्त है। ये शंका का उदाहरण माना गया है। अब है असूया,
दूसरे के उत्सर्ग को न सहकर उसकी हानि की चेष्टा का नाम क्या है? असूया। अर्थात अन्य के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता नामक चित्तवृत्ति का नाम क्या है? असूया है। भरत मुनि के अनुसार दूसरे की मेघा परमेश्वरीय सौभाग्य आदि को देखकर उत्पन्न होने वाली इच्छा भाव को असूया कहते हैं। धनंजय के अनुसार अपने गर्व पुष्टता एवं क्रोध के कारण दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकना असूया संचारी भाव होता है। उत्कर्ष प्राप्त व्यक्ति के दोष कथन, उसकी अवज्ञा करना, बोहों को चढ़ाना, अकारण क्रोध करना, उस व्यक्ति की प्रत्येक अवसर पर निंदा करना, ओष्ठ निकालना आदि इसके अनुभव हैं। उदाहरण हम इसका क्या मानेंगे? ये राम ही छाड़ कुशल के ही काजू आजू, जेहि जने सुदेही जुब राजू, भयउ कोसिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्व रहत उर नाहिन। अगला जो माना गया है वो है श्रम। मार्ग चलते चलने, व्यायाम करने, जागरण आदि से उत्पन्न खेद का नाम क्या है? श्रम है, और यह एक शारीरिक प्रतिक्रिया मात्र है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार खेद नामक चित्तवृत्ति को हम क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं, जो अत्यधिक शारीरिक कार्य करने के कारण उत्पन्न होती है। भरत एवं अन्य आचार्यों ने इसे स्पष्ट करते हुए रति प्रसंग, मार्ग गमन या व्यायाम आदि को इसका कारण माना है। श्वास का फूलना, नींद का आना, अंगड़ाई तोड़ना आदि इसके अनुभव माने गए हैं। पुरते निक्षी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में दगडे, जल की भरी भार कनी जल की, पुटी सूख गए मधुरा धर दे। अब है मद, शराब, धन, रूप, यौवन आदि का नशा क्या है? मद है। किसी को शराब का नशा होता है, किसी को धन का नशा होता है, किसी को रूप और सौंदर्य का नशा हो जाता है, और किसी को यौवन का नशा हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मद कहते हैं। मदिरा सेवन से उत्पन्न व्याकुलता को मद कहते हैं, और इसमें समोह अवचेतना से मिश्रित आनंद के उल्लास का भाव रहता है। और मद की प्रतीति उत्तम, मध्यम और अधम प्रकृति के लोगों के अनुसार तीन प्रकार से होती है। अतः इसके आधार पर सो जाना, हंसना, गाना, परिहास करना, स्खलित वचन बोलना, पैरों का किंचित लड़खड़ाना आदि उत्तम प्रकृति के, आंखों को घुमाना, आंखें घूमने लग जाना और हाथ पैर पटकना, गति का लड़खड़ाना आदि मध्यम प्रकृति के, और वमन कर देना अर्थात उल्टी कर देना, गालियां देना, चिल्लाना, स्मृति का नाश हो जाना, गोपनीय तथ्यों का उद्घाटन कर बैठना, विवेक का नष्ट हो जाना, थूक फेंकना, चलने फिरने में असमर्थ हो जाना अधम प्रकृति के लोगों के अनुभव होते हैं। झुकती हंसती हांसी हांसी, झुकती झुकी झुकी हंसी हंसी देती। अब है ग्रति। धैर्य को ग्रति कहते हैं। ज्ञान शक्ति आदि के कारण बिना किसी व्यग्रता के कर्म भोगों को भोगने को संतोष ग्रति संचारी भाव होती है, और प्रत्येक सुख दुखात्मक स्थिति में अविचलित भाव से रहना ही ग्रति है। पंडित राज के अनुसार लोभ, शोक, भय जनित उपद्रवों को शांत करने वाली चित्तवृत्ति का नाम क्या है? ग्रति है। प्रत्येक स्थिति में अपने आप को संतृप्त दिखाना, हर्ष युक्त वचन बोलना, उल्लास एवं हास की मुखमंडल का कांति रहना आदि इसके अनुभव माने जा सकते हैं। मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में भेद नहीं, मजली बहन राजे ले लेवे, उसे भरत को दे देवे। यानी इसका एक, जिसको हम कहते हैं ग्रति का, यहाँ एक श्रेष्ठ उदाहरण कह सकते हैं, मान सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको इसके आगे के जो और जो प्रकार हैं संचारी भाव के, उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। धन्यवाद।